शासन को एक अपील करना चाहता जी। मैं सरदार सुखजिंदर सिंह रेडीमेड और मनियरी एसोसीएशन प्रेजिडेंट जिला तरन तारण, असी एक अपील करते हैं जी कि जो प्रशासन दी हदायतां गाइडलाइनस जो भी आउंदियां असी सारे ही दुकानदार फॉलो करते हैं, पर प्रशासन को चाहिए कि जे गाइडलाइन फॉलो करन दे मुताबक भी लोगों को परेशान दुकानदारों को तंग करते हैं तो फिर तो प्रशासन की बहुत वड्डी नलायकी आ। असी ये मंग करते हैं डीसी साहब को, एसएसपी साहब को अपील करते हैं कि प्रशासन को जिहड़ियां हदायतां जां पुलिस मुलाजमान को थोड़ियां वधिया हदायतां दिओ कि लोगों को परेशान ना करन, क्योंकि दुकानदार तो पहले ही बहुत परेशान है। दुकाना के टाइम की लैके सैटिंग लैके कोई इन्ना कोई सिस्टम नहीं है, कभी दुकाना 5 बजे तक आ जी, कभी 2 बजे तक आ जी, कभी 1 बजे तक आ जी, फिर कोई आह दुकान खुलनी है जी, कोई मनियारी की खुलनी है जी, कोई फ्रूट की खुलनी है जी, ये कोई डिसाइड कर ही नहीं सकते, फाइनल ही नहीं करते, तो उद्दे च कन्फ्यूज़ है दुकानदार। रोज़ नित नवे ऑर्डर, रोज़ नित नवी कलेष, रोज़ नित नवे मतलब हरासमेंट इन्नी क ज़्यादा कि दुकानदार बहुत परेशान आ। सो अं मतलब प्रशासन को मंग करते हैं कि जेडे भी गाइडलाइन देंगे आ थोड़े तरीके इशू कर, जिस तरह अज तो 2-3 दिन पहले ला लो इन्होंने ना एक वैबसाइट तो मतलब ऑर्डर जारी करते, डीसी की वैबसाइट तो ऑर्डर जारी किए कि यह दुकाना का टाइम जड़िया वा 5 बजे तक करता वा मनियारी दूजा करियाना तो सब्जी दिया दुकाना। तो जदों मतलब साढ़े कोई मैंबर पूछ गए डीसी साहब तो, डीसी साहब कहते मैं तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया जी। फिर मतलब ये वेखो कि गलत गल है कि जे DPRO तो मतलब ऑर्डर होंगे आ तो इन्हों का मतलब नहीं बनता भी डीसी साहब के नॉलेज लिया भी आसी ऑर्डर किए, डीसी साहब को कुछ नहीं पता भी ऑर्डर कौन करन दिया कौन नहीं करन दिया। फिर उस तो बाद जे डीसी साहब तक पहुँचती है गल वह कहते मैं ऑर्डर नहीं किए, फिर दुकाना बंद करा दी जाए। वेखो कि हरासमेंट आ। असी ये मसले तां चुक रहे हैं कि प्रशासन नूं सगों जिम्मेवारी बनती आ कि साढ़े नाल चले साडू गाइड करन, पर प्रशासन तो उल्टा परेशान करन दिया सानू। दुकानदार तो अगे टाइम बहुत घट आ तो परेशान तो पहले ही बहुत आ। वेखो जी इन्होंने 9 तो मतलब 2 बजे तक टाइम दिता, 5 घंटे 5 घंटे दुकानदार आउंदा सवेरे, 1 घंटा एक दुकान लाउण ते लगदा उहनूं, फिर 1 घंटा दुकान बंद करन ते लगदा, 2 घंटे उहदे वेस्ट हो गए, 3 घंटे आ। 3 घंटे च दुकानदार की करूगा, 3 घंटे च गाहकां नूं वी हफड़ा दफड़ी हुंदी आ, जिहड़ा समान लैणा उहनां मैं इत्थों लैणा इत्थों लैणा भज के उहदे कोल सारा समान लिया ही नहीं जांदा। इस करके इह जिहड़ा तनावपूर्वक माहौल बणिआ वा, रश क्राउड बहुत ज़्यादा, कारण इही आ। कारण रश होण दा कारण इह कि इहनां ने टाइम बहुत घट आ, टाइम पीरियड वधाया जाए। अं डीसी साहब तो मतलब ये मंग करते हैं कि जिहड़ा टाइम आ जिदा 9 तो 5 किया जाए, हर बंदा संतुष्ट होगा, रमान नाल खरीददारी करेगा तो अपने घर के समान लैके रमान नाल खरीद के चलू तो क्राउड घटूगा, रश घटूगा, बाजार च भीड़ ही नहीं दिखनी, प्रशासन भी वह सौखा होगा। जिहड़े प्रशासन डांगा लैके साढ़े से आते डंडे ना बंद करवाउंदे आ, साडी तो जिम्मेवारी तो पहले बंद कर देने सारे तकरीबन दुकानदार, पर यह मुश्किल ये आ रही है जी। वेखो जे कोई दुकानदार जे 1 मिनट लगता, मान लो जो 2 बजे का टाइम किया जे उसको कस्टमर तो उन्हें 5 मिनट दुकानदार कट नहीं दो पैसे तो कट्टने ही है, जे उसको को पैसे कट्टन तक नहीं ये टाइम देंगे, कहें जी चलान कट देना, गलत वर्डिंग बोलते हैं मतलब गलत बिहेवियर बोलते बिहेव करते हैं। इस करके अं SSP साहब को मंग करते हैं कि जेडे तो मुलाजम लाए अपने इन्हों को भी मिसबिहेव ना कर, जे दुकानदार को बंदे को 2 मिनट वध लग गए की हो गया आखिर आ गई है, कुछ नहीं हुंदा, मतलब 2 मिनट नाल कुछ भी नहीं हुंदा फर्क पैंदा। इस करके अं SSP साहब को अपील करते हैं कि जेडे भी तुम अधिकारी लाए हैं ना उन्होंने को गाइडलाइन गाइड चंगी तरह कर, किसी को परेशान ना कर, दुकानदार अगे ही बहुत परेशान है। एक अपील होर करनी चाहते जी, असी एक SSP नूं अपील है जी, SSP साहब नूं यह अपील करते हैं कि जिहड़े तुसीं मुलाजमान की ड्यूटी लाई है ना वो लोगों नूं परेशान क्यों करते हैं, किस टाइम करते हैं, ये मैं तुहानूं दसदा कि जदों भी जे पंजाब गवर्नमेंट ने CM साहब ने मतलब ऑर्डर गाइडलाइन जारी की भी जिहड़े हॉस्पिटल तो मैडिसन 24 घंटे आ, 24 घंटे ऑर्डर है भी तुसीं कितें भी जा सकते मैडिसन लै सकते, तो पर जिहड़े साडे शहर च तरन तारण च इन्हां ने थां थां ते नाके लवाए है ना, बैरीअर लाए आ जी, बकायदा बैरीअर लाए, जदों भी कोई बेचारा परेशान हो के मैडिसन घरेलू लैन आता या कोई हॉस्पिटल का काम है, ये उन्होंने रोक के क्वेश्चन बड़े पुट करते, सवाल करते, पर्ची दिखाओ, इदा करो, जो करो, जो कोई पेशेंट बेचारा अपनी मेडिसिन लैना है तो मजबूरी आ, वो पर्चियां विखा फिर उन्होंने निकल देंगे, तुम इधर दिन जाना जी दूजे रस्ते जाओ, उन्होंने तो वैसे ही पहले मतलब एमरजेंसी होंगी है, उन्हें मेडिसिन जरूरी है, तो उन्होंने कह दें तुम इधर दिन जाना तो वो दूजे रस्ते जाओ, वो वैसे परेशान हों, इन्हों चाहिए वा SSP बेनती करते हैं कि इन्होंने कहो भी जो कोई मेडिसिन लैन आता वा कोई परेशान है बीमार आ उन्होंने पेशेंट को निकल दो, उन्होंने ना मतलब किंतु परंतु करो वो उन्होंने मतलब सगो उन्होंने आप छड़ के आना चाहिए, इन्हों का फर्ज बनता वा, इन्हों की ड्यूटी आ, क्योंकि ये साढ़े
मतलब जिम्मेवारी प्रशासन की अधिकार बनता वा कि मतलब उन्होंने नाल सहमति जताउण ते उन्होंने मतलब ना रोक कार्रवाई करन। असीं ये अपील करते हैं एसएसपी साहब नूं। सर अज्ज बाजार वाले जिहड़े इकट्ठे होए आ किस मकसद नाल इकट्ठे होए? मैं राजा रणजीत सिंह जनरल सैकटरी मनुखी अधिकार संगठन पंजाब। काफ़ी दिनों देखा जा रहा कि लॉकडाउन का जिते वधिया असर पै रहा उत्थे बहुत गलत असर भी पै रहा। लॉकडाउन होने दे नाल अक्सर देखा जाए लोगों का भला होना चाहिए, बट ये कुछ गरीब बंद का कुछ गरीब तबका बुरी तरह जिसका ताना बाणा होर उलझदा जा रहा है। और ये कौन जिम्मेवार है? जिस तरह की दुकान का टाइम सवेरे 9 to 2 बजे तक है, कोई दुकानदार जो सवेरे 9 बजे दुकान खोलता है उन्होंने दुकान लगाद 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगान तो बाद शाम को दुकान बंद करना टाइम जो कि 2 बजे का है, 1:30 बजे के करीब साढ़े प्रशासन के वीर आ जाते हैं दुकाना बंद कर दो। उन्होंने दुकान लगभग 1 बजे बंद करनी पै रही है, 3 घंटे के अपना रोजी रोटी कितों कमा के अपने बच्चे पालन। जिस तरह की आप सबन पता है स्कूलों से बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन चल रही है, जिस करके हर घर में हर छोटे छोटे बच्चे अपना सैपरेट मोबाइल लेना पै रहा, वो सिम नवी लैनी पै रही है और इस होर भी बधेरे कई खर्चे बढ़ गए हैं। इस करके सरकार ये प्रति कुछ ना कुछ